इंटेलिजेंस को लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे थियरीज़ बनाए अगर इन सारे थियरीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं तो उन्हें चार डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम डाल सकते हैं पहला है साइकोमेट्रिक थियरीज़ क्योंकि कुछ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं कुछ काग्नेटिव कौ, टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा तो वो सारे थियरीज़ जो इस तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं वो साइकोमेट्रिक थियरीज़ होते हैं और नेक्स्ट है काग्नेटिव थियरीज़ जैसे कि हमने देखा इंटेलिजेंस में अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं पहला होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फिर होता है प्रॉब्लम रिकग्निशन एबिलिटी फिर एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो ऐसे अगर इंटेलिजेंस को दिखाने के लिए अलग अलग प्रोसेस है तो काग्नेटिव थियरी जो है वो इस तरह के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट है काग्नेटिव कॉन्टेक्चुअल थियरीज अब कुछ बच्चे एक क्लास में बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इन दोनों ग्रुप्स में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है वेल well, इसे हमें कॉन्टेक्चुअली देखना है क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी में अच्छा कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स में उनका इंटेलिजेंस है और जो बच्चे मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो मैथमेटिकल कॉन्टेक्स में उनका इंटेलिजेंस अच्छा है तो इस तरह से अगर हम एक व्यक्ति के इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं तो उसे एक कॉन्टेक्स में मेजर करना चाहिए क्योंकि अगर आप एक सिंगर को और बिजनेसमैन को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस और एक कमर्शियल या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस तो अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस है तो काग्नेटिव इंटेलिजेंस जो है काग्नेटिव कॉन्टेक्चुअल थियरीज़ जो है वो ऐसे अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स में इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं और लास्ट में है बायोलॉजिकल थियोरीज बायोलॉजिकल थियोरीज़ जो है वो बायोलॉजी यानी ब्रेन और इंटेलिजेंस के बेस में क्या रिलेशन है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं अगर हम थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो बहुत इजीली हम एक लिस्ट बना सकते हैं एटलीस्ट 25, 30 डिफरेंट थियरीज़ के मोनोफैक्टर है टू फैक्टर थियरी ट्राईआर थ्री स्टार्टम फाइव मेंटल एबिलिटी मल्टीपल इंटेलिजेंस बायोकोलॉजिकल तो अगर इतने सारे थियरीज़ हैं इंटेलिजेंस के बारे में तो इनमें से हमें कौन से थियरीज़ को पढ़ना है